Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates of Aakar Foundation. Aakar Foundation. चलो तो यहाँ पे थे हम so that purpose की बात कर रहे थे. ठीक है, sorry for the inconvenience you got to face. Purpose की हम बात कर रहे थे. Purpose के लिए हम use करते हैं हमेशा may और might का. ठीक है ना, purpose basically है कि so that के बाद so that के पहले हम जो कुछ भी बोलते हैं चीज वो हमारा action होता है और उसके बाद हम जो भी बताने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, purpose होता है. ठीक है ना, purpose बताने के लिए हम क्या use करते हैं, हमेशा may और might का use किया जाता है purpose बताने के लिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसकी यूज करोगे, टेंस के. और टेंस कौन सा आप चेक करोगे, टेंस आप चेक करोगे एग्जैक्टली जो सो दैट के पहले लिखा हो. ये भी सेंटेंस हमने देखा था. फिर एक और पर्पस, जब हम शुड से पर्पस बताने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पर्पस शुड के साथ हम जब यूज करते, देखो क्या है लिस्ट, और लिस्ट के बाद जब भी हम पर्पस बताने की कोशिश करते हैं तो हम किससे यूज करते हैं, पर्पस बताने का प्रयास करते हैं शुड से. ठीक है, लिस्ट अपने आप में ही निगेटिव होता है, इसके लिए हम इसमें सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते. ठीक है, शुड के बाद हमेशा कौन सा, शुड के पहले हमेशा क्या लिखा जाएगा, लिस्ट. ठीक है, शुड के पहले क्या लिखा जाएगा, लिस्ट. उसके ठीक बाद आपको दिखाई देता है सब्जेक्ट. ठीक है, और शुड के बाद आप जो भी एक्शन यूज करते हो वो एक्शन कैसा होना चाहिए, हमेशा निगेटिव होना चाहिए. लाइक यहाँ पे लिखा ही वर्क्ड हार्ड, ही वर्क्ड हार्ड लिस्ट. ठीक है, ही शुड क्वालिफाई दी एग्जाम. किसी ने अपना माइक ऑन रखा है? ठीक है, इरिटेटिंग नॉइस आ रही है कुछ थोड़ा सा. ठीक है, देखिए यहाँ क्वालिफाई की जगह पे क्या होना चाहिए था, डिस्क्वालीफाई. अगर इसके अकॉर्डिंग में देखू तो ये भी हमने देखा था, रन फास्ट लिस्ट यू कैन, क्या आना चाहिए, यू कैन यू शुड. कैश की जगह पे क्या होना चाहिए था, मिस. ठीक है, बी इट लिस्ट है तो यहाँ पे मे की जगह पे क्या आना चाहिए था, डायरेक्टली शुड का यूज करोगे. और लीव की जगह पे आप यूज करोगे डाई. वेरियस यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में भी हमने से थोड़ा सा देखा था, जैसे कैन बी यूज इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, कैन बी यूज इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. यू माइट, यू शुड राइट अ लेटर, ये सजेशन है, ऐसा जो आप करना चाहो नहीं करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू शुड राइट अ लेटर, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यू शुड राइट अ लेटर, या फिर मैं आपको बोलूँ कि यू शुड स्टडी, तो आप एक्शन को परफॉर्म कब करोगे, या तो तुरंत मेरे बोलते ही आप बैठ जाओगे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, या तो आप उसी एक्शन को परफॉर्म कब करोगे, फ्यूचर में. ठीक है, या तो आप उसी एक्शन को परफॉर्म कब करोगे, फ्यूचर में. देखा, यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, यू शुड बी राइटिंग अ लेटर. देखो, यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, अगर देखो जहां पे भी आपको ये दिखाई देता है राइटिंग, राइटिंग मतलब यहाँ पे लिखा एक्शनिंग, और एक्शनिंग का सेंस आपको बताता है कि किस चीज को दर्शाता है, वर्क इज गोइंग ऑन को. सामने लिखा है शुड, शुड तो ये कोई पास्ट तो है ही नहीं, अगर शुड लिखा हुआ है तो ये क्या है भाई, प्रेजेंट की ही बात चल रही है, तो एक्शन को आपको परफॉर्म करोगे प्रेजेंट में. ठीक है ना, जैसे आप अभी अपने घर पे बैठे हो, अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आपको एक ही सजेशन दे सकते हो, यू शुड बी स्टडिंग. ठीक है, ये है शुड हैव, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, शुड हैव के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव रिटर्न चाहिए था यहाँ पे, उस दिन भी हमने करेक्ट किया था. यू शुड हैव रिटर्न अ लेटर, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है, मतलब पास्ट की एक ऐसी गलती, अगर मैं बोलने जाऊँ तो पास्ट की एक ऐसी गलती, पास्ट की एक ऐसी गलती जिसके लिए आप अभी भी पछताते हो कि आपने वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. हमारे हमारे लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको लेके हम पछताते हैं कि हमने किया, मतलब किया तो किया क्यों, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया. मतलब बोलते हैं ना, आप कर लेना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. ठीक है, जैसे उस समय पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव स्टडीड, उस समय मैंने पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव स्टडीड. है ना, कोई ऐसा जॉब था जो आपकी किस्मत बदल सकता था लेकिन आपने नहीं किया, तो आप बोलोगे आई शुड हैव डन दैट जॉब. देख, ऐसा काम जो आपने नहीं करना चाहिए था पास्ट में कभी, फिर भी आपने कर लिया, उसके लिए भी आपको रिग्रेट्स होते हैं. ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं. और उसी रिग्रेट को आप दिखाने के लिए किसका यूज करते हो, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का. जैसे आई शुड नॉट हैव बंक द क्लास, मैंने क्लास को बंक नहीं करना चाहिए था, बहुत सारा पोर्शन छूट गया. आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास, मैंने पूरे क्लास अटेंड करने चाहिए थी. ठीक है,
यहाँ पे देखो एक और चीज, आप मे माइट मस्ट, आपको ये बताया पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं। अगर मैं इसी के साथ शुड हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा दूं, ये तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने लगेगी। ठीक है, पास्ट ठीक वैसे ही जैसे प्रेजेंट में बता रहे थे, ठीक वैसे ही बताएंगे जैसे प्रेजेंट में बता रहे थे, वैसे ही पॉसिबिलिटी किसमें बताएंगे, पास्ट में भी बताएंगे। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ही मे हैव कम, ही माइट हैव कम, ही मस्ट हैव कम। ठीक है, ही मस्ट हैव कम, वुड हैव और वुड हैव दो चीज बचती है फिर। वुड हैव, वुड हैव, ठीक है, कुड हैव और वुड हैव। इसके बाद भी एक्शन की कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? थर्ड फॉर्म। इसका भी यूज कुछ इसी तरीके से होता है जैसे शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का, मतलब किसी चीज को करने या ना करने का जो पछतावा होता है आपको पास्ट में, उसी के लिए इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब आप कुछ कर सकते थे और नहीं कर पाए, कुछ कर सकते थे और नहीं कर पाए तो बोलेंगे वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे तो कुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, कुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म देख लो। ऑट टू हैव ऑब्लिगेशंस की बात है, फिर से एक्शन की थर्ड फॉर्म देख लो। दो एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज इल, शी तो आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पे मस्ट ही आना चाहिए, मस्ट ही आना चाहिए ना। अब देखो अगर मैं बोलूं कि शी इज इल और उसका ऑक्सीजन लेवल अभी फिलहाल में 90% चल रहा है तो क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ। शी इज इल जहां तक लिखा था तो मैंने मस्ट लगा दिया, हेल्थ हेल्थ की बात थी, हेल्थ की बात थी तो मैंने मस्ट लगा दिया। अगर वो फिर भी नहीं दिखाना चाहती है, फिर भी नहीं दिखाना चाहती है, दैट्स ओके, बट इफ हर ऑक्सीजन लेवल इज 90%, तब यहाँ मस्ट की जगह पे क्या आना चाहिए? एनीबडी? एनीबडी? मस्त ही रहेगा, मस्त ही रहेगा, मस्त ही रहेगा। शुड, शुड तो आप बोल नहीं सकते। देखो शुड के लिए हम शुड मतलब ऐसे एडवाइस के लिए यूज करते हैं हम जो आप मानो या ना मानो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मस्त तो ऑलरेडी लगा है, मस्त तो ऑलरेडी लगा है, मैंने बताया ना कि हेल्थ हेल्थ की बात है तो आप मस्त तो लगाओगे ही। शुड हैव कैसे लगाओगे, आप पास्ट की बात तो चल नहीं रही है, बीमार तो अभी ऑक्सीजन के अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है। अच्छा चलो अगर बीपी शूट हो गया हो, बीपी शूट हो गया है, लाइक अगर बीपी शूट हो गया हो, ये बीपी है, सिस्टोल चल रहा है करीबन 180 और डायसिस्टोल चल रहा, मे तो इतने बीपी में आप किसी को मे बोलोगे? ठीक है, इतने बीपी में मैं बोलूँ क्या, ब्रेन हैमरेज हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं बेटा, हैज टू। अब बताया आपने सही, हैज टू, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। अब आप इस समय में ये नहीं बोल सकते मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो नॉर्मल सिचुएशन पे बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मल अगर तबीयत खराब है तो आप बोलते हो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अरे मैं बोल रहा है कोई व्यक्ति है, निकिता, हाँ निकिता, मैं कैसे होगा बेटा? ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए फिर, अगर इस सिचुएशन की आप बात करो, ऑक्सीजन लेवल किसी का अगर किस ऑक्सीजन लेवल अगर किसी का 90% है तो उसको तो डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि अब जान की बात आ गई है। ठीक है, इट वॉज कोल्ड हियर, इट वॉज कोल्ड हियर, इट वॉज कोल्ड हियर, यू ब्रिंग, क्या आना चाहिए? उस दिन भी हमने सॉल्व किया था, यू ब्रिंग, शुड, अब शुड तो आएगा लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, पास्ट की बात चल रही है तो शुड, अब इसका भी पास्ट कर दोगे, पास्ट में लिखोगे, शुड के साथ क्या लिखोगे, हैव, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, मतलब व्यक्ति आ चुका है वहां पे और उसे लाना चाहिए था। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू बट यू, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू बट यू, वॉश ठीक है, ये सही लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ड्रेस नहीं चाहिए था, डिश चाहिए था।
बेस चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी हम शुड हैव का ही यूज करेंगे, शुड हैव, और यहाँ लगा देंगे हम नॉट, शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव वॉश्ड, एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट, ये हैव टू नहीं आएगा बेटा, ये टू कहाँ से आ गया, शुड के बाद, शुड के बाद हैव टू कहाँ से लगा दिया आपने, दोनों भी अलग अलग है, ठीक है, दोनों भी अलग अलग है। हैव टू का यूज कहाँ होता है, कंपल्शन के लिए, और शुड का यूज कहाँ होता है, एक जनरल सजेशन के लिए, जैसे कैजुअल सजेशन देते हो आप किसी को। अब देखो, व्हेन राहुल वॉज यंग, यहाँ पे है वॉज, तो मुझे पता है कि जो भी आने वाला है सजेशन मुझे देना है वो पास्ट में ही देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है गुड मैनर, जब भी आप मैनर की बात करोगे तो मोरल ऑब्लिगेशन की बात होगी। ऑट टू हैव लर्नड, ऑट टू हैव लर्नड गुड मैनर, डू नॉट कॉल हर, डू नॉट कॉल हर, डू नॉट कॉल हर, डू नॉट कॉल हर, क्या आएगा बताओ, शी मे बी ड्राइविंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो, यूज सकते हो इज ड्राइविंग, यहाँ पे आप यूज करते हो, कर सकते हो मतलब मे ड्राइविंग, मे बी ड्राइविंग, सॉरी मे बी ड्राइविंग, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो माइट बी ड्राइविंग, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो मस्ट बी ड्राइविंग, ठीक है। अगर 100% आप श्योर हो, मतलब 1% का भी ये नहीं है, आप बोलोगे शी इज ड्राइविंग, 50-50 हो तो आप क्या बोलोगे, 50-50 हो तो आप क्या बोलोगे, मे बी ड्राइविंग, माइट के लिए आप 30%, ये करीबन करीबन आप बोल सकते हो 70%, लाइक दिस 70-90% के बीच में अगर पॉसिबिलिटी हो तो, ठीक है, समझा? यस सर, ठीक है, डिपेंड करता है आप किस सेंस में बात कर रहे हो, सही तो सभी अपने आप में, टाइप ऑफ कंडीशंस ये तो हमने देखा था, अभी बाद में देखेंगे इसको, कंडीशन हमने देख लिया है पहले तो। डिफेक्टिव ये देख रहे थे हम, डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी किसको बोला जाए, नीड, मतलब टू रिक्वायर समथिंग, ठीक है, किसी चीज की गरज होना, किसी चीज की आवश्यकता होना के लिए यूज किया जाता है नीड का। डेयर, टू बी करेजियस, टू बी करेजियस, ठीक है, साहस होना किसी चीज का। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी नीड और डेयर को कब बोला जाएगा, जब हम उसको कैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे, ठीक है, मतलब बात ऐसी है कि ये हेल्पिंग वर्ब जैसा भी यूज होता है, इसीलिए इसको डिफेक्टिव भी बोला जाता है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज होगा और ये वर्ब के जैसा भी यूज होगा, ठीक है, और दोनों का जब यूज होगा सेंटेंस में, एक्चुअल एक्चुअल जब आप इसे यूज करते हो तो थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपको उसी को ध्यान में रख के इसे सॉल्व करना होता है, उसी उसी के ऊपर आपके इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीड और डेयर, नीड और डेयर, जब अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाते हो इसके साथ, नीड और डेयर के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू, और टू के बाद आप जानते हो एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, नीड टू डेयर टू, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल पे, इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है, जो सामने वाला है ये वाला, सिर्फ सिर्फ जो ये वाला है ये, आप इसको एज अ एक्शन भी जब यूज करोगे नीड और डेयर को, मतलब एज अ वर्ब भी अगर आप यूज कर रहे हो तो ये वाला उसके लिए रहेगा सिर्फ, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शनल है, निगेटिव, आपको पता है निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या आप कहो आप मॉडल तक पहुंच गए तो मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है, अगर आपके सेंटेंस पे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है तो इसी के साथ आप क्या लगा देते हो, नॉट, इसका मतलब आप नीड के ही साथ क्या लगाते हो, नीड नॉट करते हो, और डेयर के साथ ही क्या करते हो, डेयर नॉट करते हो, ठीक है, नीड नॉट और डेयर नॉट, और इसके बाद हम टू नहीं लगाते, अब डायरेक्टली हम एक्शन में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और जब भी आप
क्वेश्चन बनाना होता है आपको, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना होता है, तब भी हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में सामने होना जरूरी है, और उसके बाद आप क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जैसा भी हो वैसा। तो आप इसको अगर आप मतलब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिखाई देगा, नीड, और क्या दिखाई देगा, डेयर, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट, और आखिर में जो भी होगा क्वेश्चन मार्क होगा। मतलब यही सेंटेंस के क्या हो गए आपके, हेल्पिंग वर्ब या तो फिर मॉडल वर्ब, जो बोलना है बोल लो, ठीक है, ठीक है। देख लो, आई नीड टू बाय अ कार, आई नीड टू बाय अ कार, इसका मतलब इस सेंटेंस में मैं गेस नहीं कर सकता फिलहाल पे। अगर ये बोला है कि आई नीड टू बाय अ कार, तो इस सेंटेंस को देख के मैं गेस नहीं कर सकता कि ये ऑक्सिलरी है या ये वर्ब है। इस सेंटेंस को देख के मैं गेस नहीं कर सकता क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस सेम ही होते, ठीक है। देख के तो मुझे यहाँ समझ में आएगा, जैसे ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या दिख रहा है आपको, पता नहीं मुझे, लेकिन ये क्या है, नॉट, ये अगर नॉट है तो नॉट किसके पहले नजर आता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के, मतलब ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, और इसके साथ टू का यूज नहीं होता, इसका मतलब सेंटेंस राइट है। नीड आई बाय अ कार, नीड आई बाय अ कार, नीड आई बाय अ कार, सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है और आखिर में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। हाउ डे यू, हाउ डे यू, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, तभी तो वो क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब ये डेयर ही अपने आप में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, डेयर ही अपने आप में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। हाउ डे यू स्पीक बिफोर मी, नीड और डेयर एज अ वर्ब और एक्शन जब आप यूज करते हो तो देखो, ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस ये ठीक वैसा है जैसे हम अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में बोल रहा हूँ हम, निगेटिव में, और सॉरी, जब हम नीड और डेयर को ऐसा क्या यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, तो जैसा उसका अफर्मेटिव होता है वैसे ही जब नीड और डेयर ऐसा एक्शन यूज करते यूज होते हैं वैसे इनका भी अफर्मेटिव होता है, ठीक है। जैसे लिखा है आई नीड टू बाय अ कार, डू यू नीड टू बाय अ कार, ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, नीड आई बाय अ कार, ठीक है ना, आई डो नॉट नीड टू बाय अ कार, और वहां पे हम नीड के साथ ही क्या लगाया, हमने नॉट लगाया है। डेयर के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, देख लो, जस्ट गो थ्रू, जस्ट गो थ्रू, ठीक है, आई होप देख लिया होगा, ये कुछ क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस बिफोर यू, ट्राई टू सॉल्व इट, है अभी थोड़ा और बाकी है, मतलब वेट करना पड़ेगा आपको, ये हमने सॉल्व नहीं किया था उस दिन शायद, मे बी ड्राइविंग, शी विल नीड कैरी द पेपर, शी विल नीड कैरी द पेपर, पता है क्या हो सकता है, शी विल नीड कैरी द पेपर, फटाफट टाइप करके बताया यार, आपके पास इतना समय नहीं होता एग्जाम पे, सब कुछ स्टडी किया ऑलरेडी, शी विल नीड कैरी द पेपर, किसने लिखा है, नहीं बताने के लिए तैयार है, she will need carry the paper, आपको टॉपिक समझ भी नहीं आया क्या, मॉडल ऑक्सिलरी, है, she will need to, very good, she will need to, जिसने भी आंसर दिया है मेघा, आपने कुछ इस तरीके से गेस करने की कोशिश किया कि ये रहा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब, ठीक है, अगर ये मेन वर्ब जैसा यूज हो रहा था आप इसको क्या करोगे, टू, मेन वर्ब जैसा यूज ना, मेन वर्ब जैसे यूज हो रहा था आप इसको क्या करोगे, बेसिकली टू, मतलब सेंटेंस हुआ राइट, ठीक है, सिर्फ आप करेक्शन बताया, पूरा सेंटेंस मत लिखिए,
Sunita does not dare to. Sunita does not dare to challenge him. Sunita does not dare to challenge him. Right or wrong? Right or wrong? Sunita does not dare to challenge him. Right or wrong? ठीक है, बिल्कुल. सेंटेंस में आपको दिखना चाहिए नॉट. नॉट के साथ क्या लगा हुआ है? नॉट किसके साथ आया? डस के साथ. तो ये जो कुछ भी है ये क्या होगा? मेन वर्ब ही होगा. अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए था? टू, जो कोई सेंटेंस पे है. राइट है. विवेक विल नॉट नीड. ठीक है, ये तो ऊपर वाला सेंटेंस का जस्ट कॉपी पेस्ट टाइप ही हो गया. नीड टू. मैं क्या चाहिए था आपको? टू. शी नीड्स नॉट. शी नीड्स नॉट. शी नीड्स नॉट. शी नीड्स नॉट to go there. She needs not to go there. बताए. Need to. Need to. देखिए समझने की कोशिश की थोड़ा. She does not need to. नहीं नहीं बेटा, सेंटेंस में ऑलरेडी लगा हुआ है नॉट. ठीक है, आपको अपने मन से सेंटेंस ही बनाना है, आपको एरर डिटेक्ट करना है. ठीक है, सेंटेंस में लगा हुआ है नॉट. अगर नॉट है तो नॉट हमेशा किसके साथ आता है? आपको पता है नॉट हमेशा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है. यही स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, ये क्या हुआ अपने आप में? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और जब नीड को ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते तो इसका एसीएस वाला फॉर्म नहीं होता है. ठीक है ना, तो क्या होगा? शी नीड नॉट. शी नीड नॉट. ठीक है, शी नीड नॉट. अब हमने देखा कि नीड के साथ जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब नान के, तो उसके साथ हम टू का भी यूज नहीं करते. शी नीड नॉट टू गो देयर. ठीक है, राजा डेयर्स नॉट रन फास्ट. Raja dares not run fast. Dare not. Very good. Where होगा? ये नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी पे आप एस का यूज नहीं करते. ठीक है ना, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी में आप एस या ई एस का यूज नहीं करते. आपने विल का विल्स किया क्या? नहीं ना. आपने शैल का शैल्स किया क्या? नहीं ना. कैन का कैंस किया? नहीं. ये भी तो मॉडल ऑक्सिलरी है भाई, वहां पे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी उसे यूज किया गया है ना. ठीक है, और मुझे बताया किसने? मुझे बता दिया किसने? नॉट ने, कि मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा यूज किया है. द कॉलेज वॉज क्लोज्ड. द कॉलेज वॉज क्लोज्ड. सुरेश जाएगा. कॉलेज बंद था फिर भी गया. नहीं जाना चाहिए था. शुड नॉट हैव गॉन. बस ठीक है, कॉलेज क्या है? बंद है. कॉलेज जब बंद था तो उसे जाने की जरूरत थी? नहीं. फिर भी हो गया तो उसे जाने की जरूरत नहीं थी. आप बोल सकते हो need not, ये भी बोल सकते हो. need not have to, have gone. need not have gone, ये भी बोल सकते हो. need not have gone, मतलब आप बता रहे हो कि उसे जाने की जरूरत नहीं थी, तब बोलोगे need not have gone, तो अपने आप का सेंटेंस राइट होगा. अगर आप सजेशन दे रहे हो, मतलब बोल रहे हो कि नहीं जाना चाहिए था यार, should not have gone. कि एक चीज बता रहे हो आप सजेशन की, और एक चीज आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? नेसेसिटी की, जरूरत की. करण हैड फॉरगॉटन द कीज.
Karan has forgotten the keys. Forgotten the keys. अब यहाँ पे had forgotten तो लिखा ही है, मतलब sentence already past रही है. अब sentence past है तो अब क्या लिखोगे वहाँ पे? ऊपर वाली दोनों चीज आप जैसे कि वैसे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माय फ्रेंड्स रिमेंड साइलेंट. माय फ्रेंड्स रिमेंड साइलेंट, रिमेंड है देखो एक्शन की सेकंड फॉर्म, पास्ट का सेंटेंस है. मतलब मुझे अगर नीड का भी यूज करना है वहां पे तो मुझे कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? पास्ट ही बताना पड़ेगा नीड का भी. ठीक है, क्या आएगा सेंटेंस लिख के बताओ मुझे जल्दी. देखो पॉजिटिव पे लिखा है इसीलिए इसके साथ नेगेटिव में लिखा है, इसके साथ नॉट दिख रहा है आपको, बीच में क्या नजर दिख रहा है? टू. अगर इसी सेंटेंस को आप पॉजिटिव में लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे? नीड टू हैव ब्रॉट. यहाँ पे शुड हैव लिख देते आप डायरेक्टली, शुड हैव ब्रॉट. यहाँ पे लिखा है नीड टू हैव, ठीक है, ये आधा मत लिखा करो. नीड टू हैव क्या, कम से कम एक्शन की थर्ड फॉर्म लिख दिया करो, वैसे बोलना होता है तो आपको. नीड टू रेज्ड, ठीक है ना, नीड टू हैव रेज्ड रेज्ड देयर वॉइस, जरूरत थी उन्हें आवाज उठाने की. अब यहाँ पे कुड हैव भी बोल सकते, आप उठा सकते थे, नहीं उठाई, उठाना चाहिए था, शुड हैव, ज्यादा ही जरूरी थी तो मस्ट हैव. पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो मे माइट आपको जो यूज करना है. सेंस क्या है सेंटेंस का ये डिपेंड करता है, ठीक है. ऑप्शन हो गई ही आपके पास वहां पे वैसे भी. दे डेयर नॉट डिस्टर्ब द प्रोफेसर, दे डेयर नॉट टू डिस्टर्ब द प्रोफेसर, दे डेयर नॉट टू डिस्टर्ब द प्रोफेसर. अब ये क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपको क्योंकि नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर टू की कोई जरूरत नहीं थी. You need not to pay the dues. You need not to pay the dues. You need not. क्या आना चाहिए? ठीक है, तो आप शायद सोच राइट है, कहाँ से राइट है भाई? आपके मन में शायद ये चल रहा होगा कि सर सेंटेंस में तो नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट लगा है तो ये नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और जब नीड ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, शो ऑन द स्क्रीन. दिख तो रहा है, ये कौन है शो ऑन द स्क्रीन, ऐसा क्यों बोला? सब कुछ प्रॉपर है ना? एनी प्रॉब्लम? मतलब आपको दिख वगैरह सब रहा है, प्रॉपरली आवाज वगैरह आ रही है? yes. एक बार बता दीजिए, ये कैसे लिखा है शो ऑन स्क्रीन? रिमूव टू, समझ नहीं रहा यार, अब कौन सा सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, सॉरी. अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक दिस. देखो यू नीड नॉट, या तो आपने देख लिया यू नीड नॉट, आपने बोला कि ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही क्या आएगा हमेशा नॉट, तो इसीलिए मैंने इसको तो हेल्पिंग वर्ब बोल दिया. और नीड को आप हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी के जैसे यूज करते हो, अब उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते. दे डेयर टू से एवरीथिंग, सेंटेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये पता ही नहीं लगा सकता कि ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है या ये मेन वर्ब है.
इसका मैं पता इस सेंटेंस में तो लगा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही जैसे लिखे जाते हैं. रोहित डज नॉट नीड टू, रोहित डज नॉट नीड टू कैरी द ऑर्डर, रोहित डज नॉट नीड टू कैरी द ऑर्डर. रोहित डज नॉट नीड टू कैरी द ऑर्डर, ठीक है, सेंटेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है. तो सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ, राइट हुआ, क्योंकि ये क्या है, आप देखो सेंटेंस में दिख रहा है मुझे नॉट, नॉट के ठीक पहले मुझे क्या दिख रहा है डज, इसका मतलब ये क्या हुआ सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब, सेंटेंस राइट हुआ. डज शी डेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट हर बॉस, डज शी डेयर, आंसर मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था टू, क्योंकि ये क्या है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये सेंटेंस का क्या हुआ मेन वर्ब. डू आई नीड वेरीफाई दिस सेक्शन, आपको दिख ही रहा है हेल्पिंग वर्ब तो ये है, ये क्या है मेन वर्ब, इसके बाद क्या नजर आना चाहिए टू. हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी का लास्ट सेगमेंट दैट इज यूज्ड टू वर्सेस वुड, ठीक है, यूज्ड टू वर्सेस वुड. अब तक जो कुछ ये पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, शुड आई गो अहेड, कोई कुछ नहीं बोलता, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, चलो ठीक है. यूज टू और वुड, यूज टू और वुड, देखो जब भी आप हैबिट की बात करते हो, जब भी आप हैबिट की बात करते हो या अपने रूटीन एक्शन के बारे में बात करते हो, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, रूटीन एक्शन के बारे में जब भी आप बात करते हो तब भी हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सुबह उठना होता है गेट अप, ठीक है, आई गेट अप इन द मॉर्निंग. उसके बाद आप ब्रश करने वाला काम करते हो तो फिर आप बोलते हो आई ब्रश माई टीथ. उसके बाद आप चाय पीने वाला काम करते हो तो शायद आप बोलते हो आई टेक टी, ठीक है. उसके बाद आप नहाते हो तो आप बोलते हो आई टेक बाथ. फिर उसके बाद आप तो मतलब तैयार होने वाला करते हो काम तो आप बोलते हो आई गेयर अप, ठीक है ना. जितने मैंने एक्शन बोले हैं यहाँ पे, जितने भी एक्टिविटीज मैंने बोली है, ये शायद ऐसी ही एक्टिविटी जो आप डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हो, ठीक है. इसमें से तो आपकी कुछ हैबिट होगी और कुछ तो आपके रूटीन एक्शन होंगे, ठीक है. मैं यही काम अगर मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए बोलना है, स्पेसिफिक टाइम क्यों, मैं तो यस्टरडे के बारे में बोलता हूँ. जैसे कि मैंने जो काम रोजमर्रा की जिंदगी में करता हूँ अपने, वही काम मैंने कल भी किए होंगे, ठीक है. सेम वर्क आई परफॉर्म यस्टरडे ऑल्सो, ठीक है ना, या सेम वर्क आई मस्ट हैव परफॉर्म यस्टरडे ऑल्सो, कल भी मैंने परफॉर्म किए होंगे. अगर मैं रोज सुबह उठा हूँ तो मैं कल भी उठाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है ना. अगर मैं रोज सुबह उठा हूँ तो मैं कल भी उठाऊंगा, तो मैं बोलूँगा आई गॉट अप, ठीक है, आई गॉट अप और डी यस्टरडे. आफ्टर दैट उसके बाद आई ब्रश्ड, मतलब एक्शन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, आई ब्रश्ड माई टीथ. उसके बाद आई टुक टी, देन आई गॉट रेडी, ठीक है, आई टुक मिस बाथ एंड आफ्टर दैट आई गॉट रेडी. ये तो मैंने पर्टिकुलरली कल के लिए बोल दिया. देखो जाना होता है स्कूल, जाना होता है गो स्कूल, जाना होता है गो टू स्कूल, ठीक है ना, जाना होता है गो स्कूल, जाना होता है गो टू स्कूल. अगर आपके डेली लाइफ में काम शामिल है, मतलब आप अगर स्कूल जाते हो तब बोलोगे आई गो टू स्कूल. अगर आप गए थे, मतलब पास्ट की बात करोगे तब बोलोगे आई वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, आई वेंट टू स्कूल. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप बोलता हो कि वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, तो ये तो कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए हो गया. अब देखा जाए तो सेंटेंस के बोलने का मतलब है कि मैं स्कूल गया था, ठीक है ना, मैं स्कूल गया था. तो आप स्कूल क्या एक ही बार गए थे? ऐसा तो नहीं है कि आपने एडमिशन लिया, आप एक ही बार स्कूल गए और उसके बाद आप गए ही नहीं ना. मतलब स्कूल जाने वाला काम तो आपने बहुत बार किया है, स्कूल जाने वाला काम तो आपने बहुत बार किया है, कब, पास्ट में. जैसे कि खेलना, ठीक है, खेलना, तो खेलना होता है प्ले, ठीक है. आपने रगोरी खेली होगी, रगोरी को, है ना, समथिंग लाइक दिस, जस्ट हेलो आवाज आ रही है, लिख के बताना मुझे, समझेगा नहीं अब, ठीक है, मैसेज करके बताना. आवाज आ रही है, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन. यस सर, ओके.
तो देखो आपने बचपन में मतलब टिक्कर वो तो खेलने वाला काम क्या होगा ना, रगोरी खेली ही होगी, ठीक है ना। ये रगोरी को हम बोलते हैं टिप कैट, ठीक है ना, टिप कैट। और खेलना होता है प्ले, ठीक है, तो बोलते हैं प्ले टिप कैट। अभी खेलते हो मतलब आपके रूटीन एक्शन में शामिल है अभी भी, तो आप बोलते हो आई प्ले टिप कैट। आपने सिर्फ पर्टिकुलरली कल खेली थी तो आप बोलोगे आई प्लेड टिप कैट यस्टरडे, ठीक है। 10 साल पहले खेली थी तो आई प्लेड टिप कैट 10 ईयर्स बैक या 10 ईयर्स अगो, है ना। लेकिन क्या आपने टिप कैट खेलने वाला काम पास्ट में एक या दो बार ही किया है? नहीं ना, शायद आपने टिप कैट खेलने वाला काम या वो रगोरी खेलने वाला काम बहुतों बार कर रखा है पास्ट में, ठीक है ना। तो जब हम एक ऐसे काम की बात करते हैं जो हमने पास्ट में बार बार किया हो, एक ऐसा काम जो आपने पास्ट में बार बार किया हो, कि एक ऐसा काम जो आपके पास्ट की हैबिट हो या आपके पास्ट का रूटीन हो, तो आप बोलते हो यूज्ड टू। क्या बोलते हो? यूज्ड टू। मतलब समझ में आ गया आपको? मुझे पहले मतलब ही समझाना था, ठीक है। सेंटेंस हम बना लेंगे कैसे भी, सेंटेंस हम मतलब समझ में आ गया आपको? Yes, अरे बताइए भाई जल्दी बताओ, मतलब yes, समझ में आ गया? सेंटेंस तो बना लेंगे हम। यस सर, ठीक है, सेंटेंस बना लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखो यूज टू का मतलब होता है पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, ठीक है। पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब भी होता है यूज टू, मतलब ऐसे काम ऐसी हैबिट, ऐसे एक्शन, ऐसा रूटीन जो आप पास्ट में फॉलो करते थे लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना, अभी नहीं। आप अभी टिप कैट खेलते हो क्या? नहीं, तो आप बोलोगे आई यूज टू प्ले टिप कैट, ठीक है। आप यूज टू, आई यूज टू प्ले टिप कैट। हाँ, उसके बाद आता है वुड। पास्ट हैबिट को ही दिखाता है, इन प्रेजेंट कैन बी कंटिन्यू और नॉट, ठीक है ना, इन प्रेजेंट कैन बी कंटिन्यू और नॉट, मतलब ये भी पास्ट की हैबिट है। यूज टू हमने यूज किया है पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए, मतलब ऐसा काम जो पास्ट में ही करते थे और वहीं खत्म हो गया, मतलब आज तो नहीं करते भाई, है ना। वुड का मतलब होता है ऐसा काम जो आप पास्ट में भी करते, ठीक है, पास्ट में भी किया करते थे और अभी भी शायद करते होगे और नहीं होगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं कि जब मैं कॉलेज जाया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, वन ऑफ माय फ्रेंड, मतलब बहुतों में से एक, वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड used to wood, used to wood consume liquor। Sentence के बोलने का मतलब ये है कि जब मैं कॉलेज जाया करता था मेरे कॉलेज के दिनों पे, मतलब बॉस दोस्त तो मेरे बहुत थे। वन ऑफ का मतलब होता है, देखो जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जितने भी हो गए, लेकिन मैं जितने भी है उनमें से किसकी बात करो, एक की, तो हम बोलते वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ। एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ। दो की बात करते बोलते टू ऑफ, ठीक है। और बहुतों में से की एक बात करें तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज टू, शराब पिया करता था, यूज टू क्या हो जाएगा, यूज टू। इसका मतलब ये सेंटेंस मुझे बता रहा है, जब मैं यूज टू बोल रहा था, सेंटेंस मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि शराब पीने वाला काम अभी उसकी लाइफ में तो शामिल नहीं है, मतलब अभी तो वो शराब नहीं पीता, मतलब पहले पीता था और वहीं पे बंद कर दी। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स वुड कंज्यूम लिकर, मतलब पहले भी पीता था और अभी भी उसका शराब पीने वाला काम क्या है, शुरू है। इतना ही डिफरेंस है इसका। ये समझ में आया? डिड यू गेट इट? ठीक है, मतलब एक का यूज हो रहा है पास्ट कंटिन्यूड, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब यूज टू, ठीक है। फुट का आप यूज कर रहे हो, पास्ट का ही हैबिट है। इन प्रेजेंट कैन बी कंटिन्यू और नॉट, मतलब यूज टू इसलिए लगा था कि कॉलेज जाने वाला काम अभी तो शामिल नहीं है ना, है ना। जैसे कि when I used to go to college we would go cinema, ठीक है,
इन एवरी वीकेंड वी वुड गो सिनेमा, मतलब कॉलेज जाने वाला काम अभी शामिल नहीं है लेकिन सिनेमा तो अभी भी जा सकते हैं, इसलिए उसके सामने वुड का यूज किया। देख लो, व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग ही फिलिंग द ब्लैंक वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे बट नाउ ही डज नॉट। Used to, very good. क्योंकि यहां पर discontinued बता रहा है present में। ठीक है, नीचे नीचे लिखा हुआ है when she was in college she क्या आएगा used to कैसा, क्यों गाना अभी नहीं गा सकती पार्टी में, क्या ये एक्शन ऐसा है जो अभी नहीं गाया जा, अभी नहीं किया जा सकता, नहीं ना। ठीक है, बिफोर द ऑपरेशन ऑफ हिज लंग्स, हाँ ये बताइए, बिफोर द ऑपरेशन ऑफ हिज लंग्स ही फिलिंग द ब्लैंक स्मोक अ लॉट। Used to ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने वुड लगाया तो अभी भी सिगरेट पीता है, ठीक है, कम दिन बचे उसके बाद बहुत। हाँ अभी तक हमने जो used to देखा है, अभी तो हमने सिर्फ used to का सिर्फ मतलब समझा है, ठीक है, अब उसके functions देखते हैं हम क्या। used to as a helping verb, used to as a main verb, used to as a addiction, यहाँ पे हमने सिर्फ कंपैरिजन देखा है यूज टू और वुड के बीच का, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल यूज टू के फंक्शन क्या है, किस किस तरीके से, क्योंकि ये भी क्या है, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी है, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब इसका भी यूज एक से ज्यादा तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, देखो यूज टू एज अ मेन वर्ब, पहले हम मेन वर्ब की तरह इसे देख लेते हैं, जो अभी हमने जितने भी फंक्शन अभी देखे है थोड़ी देर पहले हमने जितने भी फंक्शन देखे हैं, मतलब इस वाली स्लाइड में जो भी फंक्शन हमने देखे तो एज अ मेन वर्ब ही है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब ही है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यह है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये कॉमा से देखो सेंटेंस सेपरेट किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है, तो यह है सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आता है, या तो आप यूज कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब, या तो आप यूज कर सकते हो मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर आप कंफ्यूजन हो थोड़ा और सामने चले जाओ, यहाँ क्या लिखा है टू, ये टू क्या है, टू क्या है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी ये हुआ आपका मेन वर्ब, यूज टू की जगह पे आपने यूज किया इसे। यहाँ पे एक और, अगर यहाँ पे मैं देखू इस सेंटेंस में, यहाँ पे भी वुड आएगा, चलो आगे देखेंगे। अगर आप इसको यूज टू की तरह यूज कर रहे हो, यूज टू की तरह यूज कर रहे हो, तो इसके फंक्शन कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताऊं, आई यूज टू टेक टी, ठीक है, ये भी आपकी आदत ही होती है चाय पीना, आई यूज टू टेक टी। इसी सेंटेंस को अगर मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलूंगा डिड आई यूज आएगा, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड आई यूज टू टेक टी। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मुझे निगेटिव बनाना तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। ठीक है, इस तरीके से ये अगर हम क्या यूज करते हैं, एज अ एक्शन इसको यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, देखो टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, जब भी डिड हो सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में डिड हो तब भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म नजर आएगी, फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी एक्शन की। ठीक है, यूज टू एज अ मॉडल और हेल्पिंग वर्ब, यूज टू एज अ मॉडल और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यूज टू एज अ मॉडल और हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस का क्या है,
मॉडल और हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज करोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है चेक कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यूज टू, मतलब यहाँ पे यूज टू है, नीड में नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे यूज टू है और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लाइक इसी सेंटेंस को अगर बोलने जाओ, इसी सेंटेंस को जो ऊपर लिखा हुआ है, आई यूज टू टेक टी, मतलब इस सेंटेंस में मैं गेस नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे यूज टू किस चीज का वर्क परफॉर्म कर रहा है, मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस पे लिखा है यूज्ड आई टू, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है इस तरीके से तो ये सेंटेंस का क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस, आई यूज्ड नॉट टू, I used not to take tea. I hope you understood. इतना समझ गया? इतना समझ गया? अरे समझ में आ गया भाई आप लोगों को? Did you get it? ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? Used to as a model, ठीक है। क्यों एक और बचा मुझे, वो भी एक्सप्लेन करना आपको, इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो वो कैसे समझेगा फिर? कंफर्मेशन दीजिए अपना, विल यू प्लीज राइट यस और नो इन द चैट, इन चैट बॉक्स चैट सेक्शन पे लिख सकते हो। यस 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 यस, वेरी गुड। लास्ट वाला है, आप देखो यूज टू एज एन एडिक्शन और हैबिट, ठीक है, यूज टू एज एन एडिक्शन और हैबिट, देख लो। बी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब बी यूज टू एक्शनिंग, बी यूज टू एक्शनिंग का मतलब ही क्या होता है, एडिक्शन या फिर हैबिट, ठीक है ना, या फिर हैबिट। अब आपको अगर सेंटेंस में बता दूं तो ये देखिए, अगर मैं बोलूं कि आई यूज टू, आई यूज टू स्लीप लेट, आई यूज टू स्लीप लेट, मतलब क्या था, मैं लेट सोने का आदि था, आई यूज टू स्लीप लेट, ठीक है। अगर बोलो कि मैं लेट सोया करता था, ये हिंदी में क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं कि आई वॉज, क्योंकि बी था ना, बी यूज टू आई एन जी, बी के साथ एम इज आर वॉज वर हो सकता है, ये एम इज आर वॉज वर, ठीक है। सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट के लिए बना रहा हूं, आई वॉज यूज टू, आई वॉज यूज टू स्लीपिंग लेट, मतलब क्या हुआ इसका, मैं लेट सोने का आदि था, डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच का, कि आई यूज टू स्लीप लेट और आई एम यूज टू स्लीप, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट का मतलब क्या होता है। जब आप बी यूज टू प्लस एक्शनिंग का यूज कर रहे हो, बी यूज टू एक्शनिंग आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, या तो फिर, ठीक है ना, हैबिट के बारे में आप बात कर रहे हो। और जब आप बोल रहे हो आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू स्लीप, तो इसका मतलब ऐसा काम जो आप पास्ट में बार बार किया करते थे, ठीक है ना,
दोनों में हैबिट तो है, दोनों में हैबिट तो है, तो एक एडिक्शन भी बता रहा है उसमें, काइंड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन के लिए आप वहां पे कोई एडिक्शन वाली चीज डाल सकते हो, जैसे आई यूज टू कंज्यूम लीकर, मैं शराब पिया करता था, ठीक है। आई वॉज यूज टू कंज्यूम लीकर, आई वॉज यूज टू कंज्यूमिंग लीकर, इसका मतलब मैं शराब पीने का आदि था। अगर आप अभी भी आप लेट सोने के आदि हो, अभी भी आप लेट सोने के आदि हो, तो बोलोगे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यहाँ पे लिखा ही यूज टू गो होम, ही यूज टू गो होम, ही यूज टू गो होम, कौन से ऑप्शन सेंटेंस में सही है, कौन से ऑप्शन सेंटेंस में सही है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन ऑप्शन है आपके पास, सेवन में से कौन से ऑप्शन आपको लगता है कि सही है, बताए। Sixth one did not used to go home. He did not used to go home. So right or wrong? Right है, चलो ठीक है। और फर्स्ट वन रॉन्ग है, वेरी गुड। और एंड सेकंड आल्सो रॉन्ग है, ही यूज्ड टू, हाँ वेरी गुड, सेकंड आल्सो रॉन्ग है। थर्ड वन इज राइट, ही यूज्ड नॉट टू गो होम, वेरी गुड। शायद आपने वही लॉजिक लगाने की कोशिश की होगी सेंटेंस में, आपने शायद वही लॉजिक लगाने की सेंटेंस की होगी, सेंटेंस कोशिश मतलब कोशिश की होगी सेंटेंस में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखे है। यहाँ देखो, आपने सेंटेंस पढ़ा, नॉट देखो, नॉट किसके साथ आया, मेन वर्ब के साथ, कट। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, नॉट किसके बाद आया, टू के बाद, कट, ठीक है। यहाँ पे आपने नॉट देखा, नॉट किसके साथ है, यूज टू के साथ, तो ये मतलब सेंटेंस का क्या हुआ आपका, ये आपके सेंटेंस का क्या हुआ, मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, गो होम, गो के बाद एक्शन के फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस राइट हो गया। ही नॉट, ही के बाद नॉट कहाँ से आ गया, सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं लगता कभी। ही डिड नॉट यूज टू गो होम, ही डिड नॉट यूज टू गो होम, ठीक है। नॉट लगा हुआ है किसके साथ है, डिड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ही डिड नॉट यूज, ठीक है, डिड है, नॉट है, यूज है, नॉट है, डिड के साथ लगा हुआ मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हुआ आपका एक्शन। डिड लगा हुआ तो एक्शन कौन सी फॉर्म चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, जो क्या हुआ, राइट हुआ। ही डिड नॉट यूज्ड टू गो होम, अगेन सेम सेंटेंस रिपीट हो गया शायद, तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, यही राइट है, दो सेंटेंस, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गया, आगे चलते। He is used to wake up late. He is used to wake up late. Sir, many show previous slide. Sir, may you show previous? Yes, beta. Is this what you're talking about? Nihal, no. Is this one? This one? Yes, हाँ, अच्छा, टेकिंग स्क्रीन शॉट, आई कैन अंडरस्टैंड, टेकन डन, ओके। देखो, ही इज यूज टू वेक अप लेट, फाइंड द एरर, Is there any error or sentence is written correct?
हाँ रॉन्ग तो है भाई, एरर बता दो क्या है। ही वॉज चाहिए था क्यों? अभी अभी आप आदि नहीं हो सकते किसी चीज के, अभी आप किसी चीज के आदि नहीं हो सकते। इज नहीं चाहिए, कौन है भाई इज नहीं चाहिए? मैंने आपको क्या बताया भाई, ये लिखा होता है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको वॉज लगा के बताया था। कुछ भी यार, चलो देखो बी के साथ यूज होता है यूज टू, ठीक है बी के साथ यूज टू, बी के साथ यूज टू, और इसके बाद ही मुझे क्या चाहिए एक्शनिंग, मतलब आईएनजी चाहिए एक्शन पे, ठीक है। ये बी का मतलब क्या होता है, कितने बार बताना पड़ेगा, एम इज आर वॉज वर, ठीक है बीन, तो क्या यहाँ पे इज गलत हो गया? मैंने आपको पास्ट के हैबिट के बारे में बताया था। हाँ अब सेंटेंस राइट हुआ, He is used to waking. Waking up late. मतलब वो late उठने का आदी है, आदत है उसकी late उठना, habit के बारे में बात चल रही है। He would sleep late at night. Right or wrong है? He would sleep late at night. He would sleep late at night. Right or wrong? Right, very good. Would लगा हुआ है ना, would के बाद action की first form में, आपको पता है used to की जगह पे would भी use कर सकते हैं अगर हम past के continue habit के बारे में बात कर रहे हैं तो। लिखा हुआ है He is used to sleep late night. He used to sleep late night. ठीक है, he is used to sleep late at night. ठीक है, he is used to sleep late at night. Sentence right है? चलो right है, he used to. He के बाद आपको directly used to दिख रहा है, उसके बाद action की first form दिख रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? Habit के बारे में, ठीक है ना? He used to, मतलब ऐसा काम जो पास में वो क्या किया करता था, उठने वाला किया करता था। बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। ही इज यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। कुछ सेंटेंस, कुछ एक सेंटेंस जो रह गए थे आपके कंडीशनल, इसमें मैंने बीच में डाल दिया यार। देखो कंडीशन हमने पढ़ा था, इफ वाली कंडीशन पढ़ा था, उसका थोड़ा सा कुछ रह गया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंडीशन, जो आपने कंडीशन पढ़ी उसके कुछ टाइप थे, मैंने आपको बिना टाइप के पढ़ा दी थी, ठीक है ना? अब बिना टाइप के पढ़ाने का मतलब भी है कि एग्जाम में आपको कोई टाइप नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आपको सेंटेंस पूछा जाता है, ठीक है ना? और उसको सेंटेंस में आपको एरर आपको डिटेक्ट करना होता है, आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया जाएगा, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है? तो कंडीशन मैं आपको बताई नहीं थी, फिर भी अभी एक बार आपको ठीक से बता देता हूँ। जीरो कंडीशन मतलब टाइमलेस स्टेटमेंट, जीरो कंडीशन मतलब टाइमलेस स्टेटमेंट, सब चीजें आपको पढ़ाई है मैंने ऑलरेडी। जीरो कंडीशन मतलब टाइमलेस स्टेटमेंट, ठीक है, टाइमलेस स्टेटमेंट, यही था हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो साइंटिफिक मैथमेटिकल फिलोसॉफिकल और अपना एक था जो साइकोलॉजिकल, ये जो फैक्ट थे सारे, ये कौन से टाइमलेस स्टेटमेंट होती है ये, ठीक है, ये सारी क्या होती है, टाइमलेस स्टेटमेंट होती है, इसी को हम बोलते हैं जीरो कंडीशन। लाइक इफ यू बॉइल वाटर इट इवोपरेट्स, साइंस ने प्रूव किया है इवोपरेट होगी ही। इफ आई ट्रैवल ऑन बस, ठीक है, इफ आई ट्रैवल ऑन बस आई फील डिजी, ठीक है ना, आई फील डिजी, इसका मतलब आपको थोड़ा चक्कर जैसा आता है ना, और वोमिटिंग जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं डिजीनेस, ठीक है, थोड़ा चक्कर जैसा आता है हमेशा। आई ट्रैवल ऑन बस, इफ आई ट्रैवल ऑन बस आई फील डिजी। अब देखो इसको किसी ने प्रूव नहीं किया है, ये हर इंसान के साथ नहीं होता, लेकिन किसी किसी के साथ होता है। जैसे आप में से भी बहुत लोग होंगे कि जब जब आप बस में ट्रैवल करते हो, देखो सेंटेंस सुनो मेरा ठीक से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब जब मैं बस में ट्रैवल करता हूँ तब तब मुझे वोमिटिंग सेंसेशन होती है, मुझे चक्कर आने लगता है, ठीक है,
ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन इवन दो कि ऐसा आपके साथ होता है इसलिए आप बता रहे हो वैसे, है ना. If he consumes liquor, he sways. अगर वो शराब पीता है तो वो झूमता है. आपने देखा होगा शराब पीते हो, शराब पीने वाले इंसान को झूमते हुए, है ना. तो झूमता ही है ना शराब पीने वाला इंसान, सीधा तो बैठता नहीं है. ये भी किसी साइंस ने प्रूफ नहीं किया है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कोई फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होता है यूजुअली, ये हमने देखा है. तो ये भी सेंटेंस अपने आप में राइट होते हैं. इसको भी हम क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. अब देखो फर्स्ट कंडीशन मतलब ये लाइफ से रिलेटेड, ये जो भी है यूनिवर्सल ट्रूथ और किससे रिलेटेड है, आपकी लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मतलब पॉसिबल कंडीशन जो पॉसिबली हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन दी जाए तो पॉसिबली रिजल्ट वैसा हो सकता है. इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल माई ट्रिप, अगर पानी आया तो मैं अपनी ट्रिप क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा. इसका मतलब अगर नहीं आया तो नहीं करूंगा, इसलिए वहां पे लिखा है पॉसिबल कंडीशन. थर्ड कंडीशन है हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनेशन. हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, इमेजिनेशन. इमेजिनेशन आपको पता है ये पास्ट की होती है, ठीक है, और पास्ट की होती है. अगर इमेजिनेशन पास्ट की ही होती है तो मुझे एक बात बताओ, वो पूरी कैसी होगी? पास्ट को तो आप प्रेजेंट बना नहीं सकते, तो इसका मतलब वो भी पूरी नहीं होगी. इसका मतलब हाइपोथेटिकल है. ठीक है, इफ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आई वुड हेल्प हिम, मतलब वो मेरे पास नहीं आया इसलिए मैंने उसकी मदद भी नहीं की. ठीक है, लिखा इफ आई वेंट ऑन मून, इफ आई वेंट ऑन मून, ठीक है, इफ आई वेंट ऑन मून, अगर मैं चांद पे जाता, इफ आई वेंट ऑन मून, आई वुड ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, आई वुड ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, अगर मैं चांद पे जाता तो तेरे लिए तारे तोड़ लाता. ठीक है, अरे भाई चलो मान लिया एक समय के लिए तो चांद पे चला भी जाए, इंसान तो जा ही सकता है आजकल, तारे कैसे तोड़ लाएगा? वो बॉल है क्रिकेट ही जो तोड़ लाएगा. इफ यू वर अ मॉस्किटो, ठीक है, इफ यू वर अ मॉस्किटो, अगर तू एक मच्छर होता, आई वुड बी ऑल आउट, तो मैं ऑल आउट होता. ठीक है, अगर तू एक मच्छर होता तो मैं क्या होता, ऑल आउट. ठीक है, अब पहली बात तो तू मच्छर हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, टेक्निकली ऑल्सो, बायोलॉजिकली ऑल्सो, विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन, वुड बी अलाउड, दोनों भी सेंटेंस वैसे ही हो जाएंगे. फोर्थ कंडीशन होती है रिग्रेट ऑफ पास्ट. आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, वुड हैव यूज कर लो, कुड हैव यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, वो क्या होगा, सब रिग्रेट ऑफ पास्ट. मतलब ऐसा काम जो आप पास्ट में करना चाहते थे या नहीं कर पाए, या नहीं करना चाहते थे और कर दिया, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, रिग्रेट ऑफ पास्ट. जैसे इफ ही हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मुझे बताता तो मैं उसकी मदद करता. ठीक है, इफ आई हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, अगर मैं स्टेशन समय पे पहुंचता, ठीक है, अगर मैं स्टेशन समय पे पहुंचता तो मैं बोल सकता हूँ आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ लेता. अगर वो बोलो आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन पकड़ सकता था. आई मे हैव मतलब चांस था, आई माइट हैव लेस चांस था. आई वुड हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड, आई वुड हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड. ठीक है, माता अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता. आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है फैशन. ठीक है, जब प्रियंका चोपड़ा अपने फियांसी मतलब उसका बर्थडे का सीन चल रहा होता है, समथिंग लाइक दिस, आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट इवन दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिकलेक्ट ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, उसके बर्थडे का वो वेट करते रहता है एक्चुअली, वो केक वगैरह सब घर पे प्लानिंग करके बैठा होता है, केक वगैरह लाके, और उसका वेट कर रहा होता है प्रियंका चोपड़ा का. ठीक है, एंड शी कम्स लेट एट नाइट, वो उस दिन रात को लेट आती है, तो वो जैसे ही इंटर होती है तो उसको देख के गुस्सा करने लगता है कि मिस आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड यू डिड नॉट कम लाइक दिस योर बर्थडे वॉज देयर एंड आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट. सो वो करते रहता है, तो वो बोलती है एक सेंटेंस, वो ये बोलती है कि आई वुड हैव इफ आई
इफ आई कुड हैव, ठीक है, ग्रामेटिकली राइट है, लेकिन ऐसा बोला जाता है. आपको मैं शायद बताया होगा कि इफ के साथ कभी भी हम विल वुड विल वगैरह का यूज नहीं करते हैं, विल वुड का यूज नहीं करते, शैल का यूज नहीं कर सकते, तो कुड का भी यूज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना. बोलने का मतलब है कि आ सकती थी, आई वुड हैव, ठीक है, मैं आ जाती, आई वुड हैव इफ आई कुड हैव, ठीक है ना, अगर आ सकती तो. मतलब सेंटेंस को पूरा लिखा जाता, आई वुड हैव कम इफ आई कुड हैव कम, ठीक है, आई वुड हैव कम इफ आई कुड हैव कम, ठीक है ना, आ सकती थी अगर आ जाती तो. और इसका प्रॉपर जो लिखा जाएगा वो आई हैड कम, सॉरी, ये ऐसा ही रहेगा सेंटेंस. कि एक्चुअली कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, जैसे आप बोलते हो आई विश आई कुड, ऐसे सेंटेंस है, आई विश आई कुड, मतलब करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता हूँ, आई विश आई कुड. ठीक है, ये समझ गए आपको कंडीशंस वगैरह समझ गई पूरी. और कुछ बचा था क्या? वॉज देयर समथिंग? ठीक है, समझ गया आपको. ये हमारा पहले का लेसन में का था, जो थोड़ा सा कुछ बच गया था, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बता दूं आपको, क्योंकि आपको सेंटेंस से मतलब है, ये नहीं कि फर्स्ट कंडीशन है, कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशन का है या सेकंड कंडीशन का है, नहीं, आपको तो आपके लॉजिक से मतलब है. ठीक है, लॉजिक ऐसा है कि इफ के बाद अगर आपको दिखा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, इफ के बाद अगर आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म दिखी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा, तो आपको क्या यूज करना विल. ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिखता है तो आप यूज करते वुड. ठीक है, अगर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म दिखती है इफ के बाद, तो आप क्या यूज करते हो? वुड हैव, कुड हैव. ठीक है, ये वाले सेंटेंस. अगर आपको ये दिखता है, जैसे इफ के बाद आपको लिखी दिखती यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो आप उसके बाद क्या लिखते हो? हमेशा पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, इफ के बाद अगर एक्शन के सेकेंड फॉर्म तो होता दिया, अगर इफ के बाद होता है वर, ठीक है, इफ के बाद वर हो या फिर एक्शन के सेकेंड फॉर्म हो, तो आप यूज क्या करते हो? वुड ही करते हो. ये आपके लॉजिक से, आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए, ना कि ये कि जीरो कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है. टर्मिनोलॉजी में कुछ नहीं रखा है, ये आपको पूछने नहीं वाला कि इसमें से कौन सी फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, लाइक दिस थिंग. ठीक है, ये मेरा थोड़ी यहाँ जगह खाली है, ये इस टॉपिक का तो नहीं है. मीन्स वॉट एवर आई एम गोना राइट ऑन योर स्क्रीन इज नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक, दोस सेंटेंसेस आर फ्रॉम टेंस, टेंस के लेवल के कुछ सेंटेंसेस है जो मुझे आपको बताने थे. जैसे कि फर्स्ट आपको आंसर बताना है सिर्फ, ही हैज बीन. ठीक है, वेटिंग फॉर 2 hours, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours. सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज waited, he has waited for 2 hours. Third sentence hai, he waited for 2 hours. He waited for 2 hours. Theek hai, fourth sentence hai, he will wait for 2 hours. He will wait for 2 hours. ठीक है, fifth sentence होगा आपका, he waits for 2 hours. He waits for 2 hours. ठीक है, please don't mind my handwriting because it's quite difficult writing on this
राइटिंग टैब, ठीक है। लॉजिक ऐसा है जैसे आपने सिंस और सिंस के साथ लॉजिक लगाया था, ठीक ठीक है। सिंस के साथ हमने लॉजिक कौन सा लगाया था कि सिंस को हम टाइम की तरह भी यूज कर सकते हैं, सिंस को हम बिकॉज की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंस को हम टाइम की तरह भी यूज कर सकते हैं, सिंस को हम बिकॉज की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिंस को अगर टाइम के साथ यूज करोगे, सिंस को अगर आप टाइम के जैसे यूज करना चाहोगे, तो आप जो सिंस के बाद जो टेंस लिखा जाता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिखा जाता है। अगर आप सिंस के पहले कुछ लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन आईएनजी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट डोमेस्टिक टेंस का यूज करते हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों का भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। बिकॉज का अगर यूज करोगे, अगर आप सिंस का यूज बिकॉज जैसे करोगे, ठीक है, तो आप इसके पहले भी कोई भी टेंस लिख सकते हो, एनी टेंस, यहाँ पे एनी टेंस, यहाँ पे भी आप एनी टेंस, ठीक है। और अगर हाँ यही था, ठीक है, यही हमने एग्जैक्टली बताने की कोशिश की थी। जहां पे आप इसको टाइम बोलते हो इसका मतलब होता है से, ठीक है, से। अब जब फॉर के बारे में हम बात करते हैं, फॉर आपको पता है, जब भी आप स्पेसिफिक टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हो तब भी हम फॉर का यूज करते हैं टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा था, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका मतलब होता है से, मतलब समय से लगा रहे हो आप इसका अंदाजा, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब एक होता है ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब आप बोलते हैं के लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप कोई भी टेंस यूज करते हो, यूज कर सकते हो, पहले या बाद में अगर कुछ आता है तो पहले तो आप इसका क्या यूज कर सकते हो, एनी टेंस, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो यहां इसके बोलने का मतलब है कि 2 घंटे से, क्योंकि इसके पहले जो टेंस लिखा हुआ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब लिखा ही हैज वेटेड फॉर 2 hours, ही हैज वेटेड फॉर 2 hours, मतलब यहां पे बोल रहा है कि उसने 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 घंटे के लिए, ही वेटेड फॉर 2 hours, वापस 2 घंटे के लिए, he will wait for 2 hours, मतलब 2 घंटे तक वेट करेगा, ठीक है। और ये 2 घंटे तक वेट करता है, यहाँ पे इस चीज को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये फॉर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है आपको ड्यूरेशन, ना कि ये पहला वाला सेंटेंस सिर्फ जो था वो इस चीज से रिलेटेड था। एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट? चलो आपके कमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा बड़े कर देता हूं स्क्रीन, लो बताओ कोई डाउट है आपको अभी तक? नो, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी स्लाइड में से कुछ आपको पूछना होगा, कुछ समझा नहीं होगा, कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा? नहीं? सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू अ वेरी न्यू एंड फ्रेश टॉपिक, ब्रांड न्यू, ठीक है, एंड दैट इज क्वेश्चन टैग। एक टॉपिक आपको आज इंट्रोड्यूस करा देता हूं, सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं, कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम उसके बारे में, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये क्या बला है।
मॉडल ऑक्सिलरी आपका खत्म हो चुका है. इसको बड़ा कर लूं, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए आपको. क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है ना, मतलब प्रश्न, लेकिन कैसा हो, टैग हो, टैग टैग टैग. आपको पता ही होगा बेसिकली क्या होता है टैग, बीच में बताओ. टैग आपको पता होगा बेसिकली कि टैग होता क्या है. आप कपड़े लेने जाते हो शॉपिंग मॉल वगैरह में, या जहां से भी कपड़े लेते हो, कहीं से भी कपड़े लेते होगे, तो जब भी आप कुछ लेते हो, कपड़े ही क्यों, जब भी आप कोई चीज लेते हो तो उसके साथ उस पर एक चीज चिपकी होती है जो उसकी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है. देर इज अ थिंक, स्टिक विद दैट थिंक, वॉट एवर थिंक यू मिस यू गो टू बाय, जो भी चीज आप खरीदने जाते हो उसके साथ एक चीज चिपकी होती है हमेशा, वो होता है आपका टैग. और टैग उस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, या कॉटन की है, ठीक है ना, कॉटन की है, या फिर उसकी प्राइस क्या है, उसे आयन करना है या नहीं करना है, कितने डिग्री में उसे धोना है, ठीक है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है आपको. उतनी बड़ी चीज का एक छोटे से टैग में आपको पता चल जाता है. तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन टैग. तो ये क्वेश्चन टैग क्या है, ये भी टैग है, मतलब छोटा सा ही होगा, कुछ छोटा सा ही होगा, समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है. तो देखते हैं इसका डेफिनेशन सबसे पहले कि क्या है. डेफिनेशन ये है, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन. आपको पता है शॉर्ट क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है. क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, एक मिनट मैं ये जरा पेन ऑन कर लेता हूं, ठीक है. क्या करना था मुझे, इनेबल एडिटिंग. चालू तो है, देख लेते, चलो छोड़ो पेन को, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं उसका. शुरू हो गया. अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या बोला है, शॉर्ट. दूसरा शब्द बोला है क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चन किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से वो, ठीक है. और क्या बोला, शॉर्ट बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रहेगा, सब्जेक्ट के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और आखिरी में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क. ये क्या है आपका, ये है आपका टैग. ये क्या हुआ आपका टैग, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या, सब्जेक्ट. ये क्या होगा, टैग. मतलब एक हमने तो डिसेफर कर लिया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. दूसरा, प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब होनी कहा है अरेंजमेंट, होनी कहा है अरेंजमेंट, सेंटेंस की अरेंजमेंट, सेंटेंस में होना चाहिए. मतलब ये पूरा सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के बाद बोला है, ठीक है ना. देखो यहाँ पढ़ लो क्या लिखा है, प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस से तो पूरा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब. ये टैग लिखा है इसके बाद, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है. सीकिंग रिस्पॉन्स इन यस और नो फ्रॉम द लिसनर, ठीक है ना, मतलब बोले हुए व्यक्ति का क्या जानना चाहता है, वो कंफर्मेशन जानना चाहता है, किसमें, यस और नो पे. यही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग. अच्छा डेफिनेशन समझी, ठीक है, डेफिनेशन समझ गई. क्लोज एंडेड, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. ये हो गया आपका शॉर्ट क्लोज एंडेड. प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अब सेंटेंस के एंड में बोला है, तो मैंने आपको सेंटेंस पहले ही बताया था कि सेंटेंस बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तभी हम उसको सेंटेंस बोलते हैं. तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद कॉमा लगा के क्या लिखा आपका, क्वेश्चन टैग. सीकिंग रिस्पॉन्स इन यस और नो फ्रॉम द लिसनर, बोले हुए व्यक्ति से आप जानना चाहते हो कि उसका आंसर यस में ही या नो पे है, ठीक है. तीन तरीके के नोट से इसमें फिलहाल पे ध्यान दीजिए, नोट पे. यूज सेम टेंस, यूज सेम टेंस, मतलब जो सेंटेंस का टेंस होगा, टेंस ऑफ, के सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस है,
जो भी सेंटेंस है उसका टेंस लिखा है, तो यहाँ पे सेम टेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए ये टेंस किसका, टैग का। पहली चीज ये बोल रहा है वो, यूज प्रोनाउन ओनली, यूज प्रोनाउन ओनली, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट की जगह पे जो भी लिखा होगा, सब्जेक्ट की जगह पे जो भी लिखा होगा, जो भी चीज लिखी होगी, हम उसी का क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन, क्या यूज करते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं बोलू आई, ठीक है, सॉरी अगर मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, मैं बोलू राहुल, तो मैं क्या लिखूंगा आगे, ही, ठीक है। यू का प्रोनाउन क्या होता है, यू ही होता है। शी अगर बोल, अगर मैं बोलू सोनाली, इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। मतलब हम क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन होते क्या है, बेसिकली रिप्लेसेस ऑफ नाउन, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, ठीक है ना, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, मतलब जहां हम नाउन यूज करते हैं उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की जगह पे। और हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सेंटेंस के आखिर में यहाँ क्या क्या यूज किया जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट में नाम लिखा है तो उस नाम का आप क्या यूज करोगे, नाम मतलब क्या होगा, नाउन, किसी चीज का नाम मतलब क्या होगा, नाउन, तो उस नाउन का ही आप क्या यूज करोगे सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन। वो सेंटेंस में आपको आगे समझ ही आ जाएगा वैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज कॉन्ट्रैक्शन, यूज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का आपको यूज करना होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके के हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिला के भी कॉन्ट्रैक्शन बनता है, और हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला के भी कॉन्ट्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। तो हमें जिस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, हमें जिस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है इसमें, वो सब्जेक्ट के साथ नहीं, वर्ब के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, वर्ब के साथ जो नॉट लगा के कॉन्ट्रैक्शन बनेगा उसका हमें यूज करके बनाना है, ठीक है। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यूज सेम टेंस, मतलब टेंस ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होगा तो टैग लगने के बाद पास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूज प्रोनाउन, मतलब अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, ठीक है, यहाँ अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं मतलब टैग में अपना नाम यूज नहीं कर सकता, उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है राज स्पीक्स गुड, राज स्पीक्स गुड, प्रेजेंट में लिखा हुआ है राज स्पीक्स गुड, ठीक है, राज का ही मैंने क्या किया यहाँ पे। अब यहां से देखिए सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव में है तो टैग हमेशा निगेटिव होगा, अगर टैग निगेटिव है, सॉरी अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ एग्जाम्पल नहीं है लेकिन देख लो फिर भी, है ये हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे, अभी तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी है मैंने, डिटेल में टॉपिक है पूरा। जैसे यहाँ पे दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राज के साथ देखो, राज का ही मैंने क्या किया यहाँ पे, राज इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमा लगा के स्प्लिट किया हुआ, ठीक इसी के अकॉर्डिंग कॉमा लगा के स्प्लिट किया, ठीक इसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या देखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या सेंटेंस में, नहीं, यहाँ स्पीक से तो मुझे पता चला सेंटेंस प्रेजेंट का है, और थर्ड पर्सन के लिए हम डू में ही एसीएस लगाते हैं, जो चेंजेस हम किस पे करते हैं, एक्शन पे करते हैं, वही चेंजेस हम हेल्पिंग वर्ब पे भी कर देते हैं, ठीक है। डज और नॉट को मिला के हमने बनाया डजंट, क्योंकि यहाँ पे बात की है कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। और उसके बाद प्रोनाउन, यहाँ लिखा है ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस निगेटिव, ही इज नॉट कमिंग, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग किया है, ही को मैंने जैसे कि वैसे लिखा, इस मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए यहाँ रख के मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से रहेगा। अब देखिए यह है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के साथ आप मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लिखते हो तो आपका क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्शन। देख लो पूरे के पूरे, कुछ कुछ नहीं होगी उस पर, भूल गया होगा शायद मैं लिखना, तो बता देता हूँ मैं आपको ओरली, या फिर आगे सेंटेंस जब हम सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इज नॉट, इजंट, इज नॉट, इजंट, आई एम नॉट, आरंट,
आर नॉट, आरंट, ध्यान रखना एम नॉट का एमंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना, एम नॉट का एमंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, मतलब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, एमंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक मॉडर्न इंग्लिश में चीज यूज होती है, अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश में चीज होती है एंट, ठीक है एंट, तो ये भी चीज यहाँ पे यूज नहीं की जाती। मैंने क्या बोला, अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश में शब्द यूज होता है, हम जो सीख रहे हैं और हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें ब्रिटिश इंग्लिश की जरूरत होती है, ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में एंट जैसे शब्द का यूज नहीं किया जाता, और एम्ट तो दोनों इंग्लिश में नहीं है, दुनिया की कोई इंग्लिश में एम्ट नहीं है, ठीक है। आर नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वरंट, विल नॉट वोंट, शैल नॉट शांट, वुड नॉट वुडंट, cannot, can't, could not, couldn't, might not, might not, mightn't, must not, mustn't, may not का mayn't नहीं होता, ठीक है ना, may not का mayn't नहीं होता, अगर आपको दिख जाए कहीं may, अगर आपको कहीं may दिख जाए तो आप उसके लिए उसकी जगह पे क्या यूज करते हो, हमेशा won't, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको कभी दिख जाए मे नॉट तो आप उसका टैग क्या बनाते हो, वोंट, ठीक है। लिखा है हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट, शुड मिस हुआ है वहां पे, शुड, ठीक है, शुड नॉट इसका होता है शुडंट, ठीक है, ऑट नॉट, ऑट नॉट टू इसका भी होता है शुडंट, ऑट नॉट को नॉट टू का भी क्या लिखा जाता है शुडंट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो समझेगा ये, वैसे ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन से, और यही हमें क्वेश्चन टैग में कहा लिखना पड़ता है, आपको बताया ना, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना, एंड में रखते हैं आप, इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन बना के रखते हैं, जैसे आप इज नॉट नहीं लिख सकते टैग में, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इजंट, एम नॉट नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आरंट, आर नॉट नहीं लिख सकते आप टैग में, क्या लिखना पड़ेगा, आंट, वॉज नॉट नहीं लिख सकते, वॉजंट, वर नॉट नहीं लिख सकते, वरंट, ऐसे ही बाकी के, ठीक है, शुड नॉट नहीं लिख सकते, शुडंट, ऑट नॉट टू नहीं लिख सकते, आपको ऑट नॉट टू की जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा, शुडंट, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता, मे नॉट की जगह पे भी आपकी यूज करते हो, वोंट का ही यूज करते हो, ये हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किसके लिए, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करके जो हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाया हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आप थोड़ा सा आपको कमेंट सेक्शन ऑन करता हूँ और आपसे कुछ चीज पूछता हूँ पहले तो, अरे अरे अच्छा माउस से ही करना पड़ेगा मुझे चैट, ठीक है, देखो अभी तक हमने देखा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को लगा के हमने जो ये बनाया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को लगा के जो हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाया वो इस तरीके से, अगर कॉन्ट्रैक्शन में सब्जेक्ट के साथ लगाऊ तो, कॉन्ट्रैक्शन अगर मैं सब्जेक्ट के साथ लगाऊ तो जो बन जाएगा हीज, हीज, तो मुझे बताओगे हीज का मतलब क्या होता है, अच्छा हीज का बता दो, हील का बता दो, और ही आइट का बता दो, हीज आइल हाँ और आइट का बता दो, ही इसका मतलब क्या, देखो मैंने वहां पे जानबूझ के वहां पे ये लिखा हुआ है, ही के साथ इज लिखा हुआ है, चाहता कि कंफ्यूजन ना हो, सामने नीचे आप लिख दोगे, नीचे आपने किसी लिखा ही विल, उसके अकॉर्डिंग बताया आप जो वहां पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, इसका मतलब क्या होता है, पहले वाले का मतलब क्या होता है,
क्योंकि आपको टैग लगाना है तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन लगता है टैग, पता है ना, तो आपको यहां से ही डिकोड करके निकालना पड़ेगा कि क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब. पहला वाला क्या लिखा है? हाँ मेघा, आपने बराबर बताया, ये लिखा है विल भी है अपने आप में और ये है अपने आप में शैल. प्लीज गूगल ना करे, पता हो तो ही बताए, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली जो टैग रहेगा, टैग वोंट भी हो सकता है, शांट भी हो सकता है, वो तो सेंटेंस को देख के पता चलेगा. तीसरा वाला कोई बोरा हैड है, चलो ठीक है, ठीक है, आई हैड, ठीक है, ये किसी ने बताया मुझे, ही इज. ये फर्स्ट वाला ही शूट कहां से आ गया? देखो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला देखते हैं पहले हम, ये क्या है. फर्स्ट वाला तीन चीज लिखी हुई है वो, ठीक है, फर्स्ट वाले में तीन चीज लिखी है. अब तीन चीजें कौन सी लिखी है, देखो, ये पहले बोलने की कोशिश कर रहा है इज, दूसरा बोलने की कोशिश कर रहा है वॉज, ठीक है, दूसरा बोलने की कोशिश कर रहा है वॉज, और तीसरा अगर वो बताओ आपको बोलने की कोशिश कर रहा तो वो हैज, ठीक है. तो हीज बोलने का मतलब क्या होता है? हीज बोलने का मतलब क्या होता है? ही इज. हीज बोलने का मतलब क्या होता है? ही वाज. हीज बोलने का मतलब होता है ही हैज. तो सर पता कैसे करें? सर पता कैसे करें कि वहां पे ही इज लिखा हुआ, ही वॉज लिखा हुआ या ही हैज लिखा हुआ है, पता कैसे करें? तो पता वैसे ही करोगे जैसे हमेशा से करते आए हो. डिड नहीं होता है बताओ, डिड नहीं होता है, सॉरी हाँ, डिड नहीं होता है, हैड ही होता है और इसके बाद लगता है वुड. ये दो चीज होती है, ठीक है, हम ऐसे समझ रहे हैं अभी, जनरल चीजें, बस जनरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब चीजों का हम जब एक्चुअल टॉपिक को शुरू करेंगे तब ये सारी की सारी चीजें काम में आएगी. बेसिक है जो आपको पता होना जरूरी है. तो देखो आप इसमें पता कैसे करोगे कि ही इज लिखा, ही वॉज लिखा या ही हैज लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी इजी. अब देखो यहां पे आपको लिखा हुआ अगर एक्शनिंग, तो क्या हो गया? इज हो गया, हैज तो नहीं हो सकता, इज या वॉज ही होगा, ठीक है. अब यहां पे लिखा हुआ एक्शनिंग, एक्शनिंग के साथ यहाँ पे कोई पास्ट का आपको टाइम दे दिया, एनी पास्ट को पास्ट का टाइम दे दिया, लाइक I was taking tea at 7 o'clock in the morning. I was taking tea at 7 o'clock in the morning. अगर बोले I am taking tea, तो अभी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है. Like he के बारे में बताओ, he's taking tea. सुन लो अच्छे से, he's taking tea. मतलब अभी, ठीक है. He's taking tea at 7 o'clock in the morning. He's taking tea at the 7 o'clock in the morning. This means what? I'm talking about past. ठीक है ना, क्योंकि मैंने past का वहाँ पे time लगाया है. He has taken tea. मतलब क्या हुआ? पी लिया है अभी अभी. एक्शन की फॉर्म देख के मुझे समझ में आ रही है, यहां से मुझे टाइम देख के पता चला, और यहाँ तो एक्शन देख के पता चल गया किस चीज के बारे में बात कर रहा है. आइल के बारे में आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है. विल वुड, सॉरी विल शैल, दो में से कुछ भी हो सकता है. I'd का मतलब होता है I had भी बोल सकते हो, I would भी बोल सकते हो, ठीक है. अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो ये क्या होगा? Would होगा. अगर आपको थर्ड फॉर्म नजर आती है तो ये क्या होगा? Had होगा, ठीक है, ठीक है ना. अगर I'd के बाद आपको वापस have नजर आता है, I'd के बाद अगर आपको वापस have नजर आता है तो आपको कौन सी फॉर्म नजर आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होगा? I would have action थर्ड फॉर्म, ठीक है. अगर had होगा, ठीक है, अगर हैड होगा जैसे आई हैड के बाद डायरेक्ट आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म नजर आएगी. क्या सिर्फ वुड लिखा होगा? शुड नहीं, विल लिखते सर भाई, शुड नहीं, विल सकते. देखो बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, मैंने बैठ के नहीं बनाया अपने घर पे, ठीक है ना. इट्स नथिंग लाइक आई वाज सिटिंग एट होम एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग स्ट्राइक इन माय माइंड एंड आई यू नो open the dictionary or open something, my books and all that, and started writing contractions by my own. No, it's not like that. Means whatever contractions are there, jo bhi contractions wahan pe hai, ye angrezo ka kiya hua hai.
ठीक है, अब उन्होंने नहीं बनाया तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछना आपका ज्यादा वाजिब रहेगा। आप सॉरी क्या लिखा है, शुड नहीं भी लिख सकते क्या सर? तो नहीं हो सकता ना शुड, अब नहीं हो सकता तो आप मुझे ये मत बोलोगे सर आपको कुछ नहीं पता है। मुझे हाँ मुझे नहीं पता है, आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज कहीं लिखा ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब मैंने कभी सुना भी नहीं है ना, मुझे इंग्लिश के डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में मिला ना कहीं और मिला। वेरी गुड, ओके ओके चलो ठीक है। देखो अगर लिखा होता है आई वुड और उसके बाद लिखा होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है फर्स्ट फॉर्म तो भी सॉरी मैं ये आईड लिखना चाहता हूँ सब जगह, ठीक है ना, मैंने ये गड़बड़ गड़बड़ में ऐसा लिख दिया, ठीक है। देखो ये डी लिख रहा हूँ सिर्फ पे, ठीक है, अगर आईड के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो वो वुड है, आईड के बाद, आईड के बाद अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो वो हैड है, और आईड के बाद अगर हैव लग के एक्शन की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो वो भी वुड है, ठीक है तीन चीजें। अभी मैं टीचा थोड़ा समझाना था कुछ वहां, ठीक है से मिटाओ कैसे अब, हाउ टू रेज इट, पेन ऑन कर लो वापस। अब देखो यहाँ लिखा एंट जिसके बारे में आपको बता रहा था, मैं वो थोड़ा मिटा नहीं पा रहा उसको, आई एम अनेबल टू इरेज इट ट्राइंग माय हार्ड, ठीक है बट नथिंग इज हैपनिंग। ओके देखो एंट के बारे में आपको बता रहा था, एंट बेसिकली एंट है क्या, एंट है क्या, एंट का मतलब होता है देखो एम इज आर वॉज वर हैव हैज नॉट, मतलब सबको आप मिला दो, सबको आप मिला दो तो क्या बन जाएगा एंट, मतलब आप ये बोल सकते हो आई एंट कमिंग, ठीक है आप ये बोल सकते हो आई एंट कमिंग, इसका मतलब होता है आई एम नॉट कमिंग, आप बोल सकते हो ही एंट गोइंग, ही एंट गोइंग मतलब ही इज नॉट गोइंग, ठीक है ठीक है ना, लाइक वॉस के साथ भी बोल सकते हो आई एंट हैविंग फूड यस्टरडे, व्हेन यू केम आई एंट हैविंग फूड यस्टरडे, जब आप आए उस समय मैं खाना नहीं खा रहा था, अब यू के साथ आप वर लगा के बोलो मतलब यू एंट टाइम, आपको बेसिकली टाइम से ही पता चलेगा कि सेंटेंस में सामने क्या लिखा हुआ है, एल्स यू कैन नॉट गेस कि वॉज लिखा है या वर लिखा है, ठीक है। एक्शन की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए एंट के बाद, एंट के बाद अगर आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो हैव या हैज ही होगा, ठीक है हैव हैज नॉट या हैव नॉट, इनमें से ही दो में से एक चीज होगी, ठीक है। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है बट डोंट वरी, आपके किसी काम का नहीं है ना, आपके एग्जाम के किसी काम का है, क्योंकि ये वर्ड है बेसिकली आर्किक, आर्किक का मतलब होता है जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होता है, समथिंग ओल्ड इंग्लिश में, आर्किक का मतलब होता है जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होता है, और ये ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है ना, मतलब हुआ करता था इफ आई वॉन्ट टू से, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये जो पुरानी वाली इंग्लिश बोलते हैं ना ओल्ड इंग्लिश, उस पर बोला जाता था। और आपको एक और चीज मैंने यूज की थी जब बता रहा था, इसको मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश हमारी कोई काम की नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे नेटफ्लिक्स देखना बंद करो, नेटफ्लिक्स देखना बंद करो, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब होता है समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अभी किसी काम का नहीं है, मतलब अभी वो यूज नहीं है उसका। आपने वो देखा होगा मिशन मंगल मूवी देखी होगी, है ना, वो जब डिस्कशन चलते रहता है पीएसएलवी रॉकेट के बारे में, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नासा का एक कुछ बताया हुआ है, उसमें एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, आई डोंट नो हिज नेम, बट वो हमारे इधर के वो बोलता है उसको कि पीएसएलवी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी बोलता है, विच इज नॉट इन यूज नाउडेज, ठीक है। I hope you would have understood this much. ठीक है, देख लो contractions क्या होते हैं, ये सारे के सारे contraction जरूरी है,
कॉन्ट्रैक्शन के पहले डेफिनेशन फिर से एक और बता दू, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लिखा होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस के, जब तक आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हो मीनिंग में आपको कोई कुछ नहीं रखा है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको मार्क्स से लेना देना होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट, एग्जाम निकालने से काम रखिए, ठीक है ना। सीकिंग, सीकिंग रिस्पॉन्स इन यस और नो, ठीक है। नोट से यूज सेम टेंस, सेम टेंस का यूज होगा, मतलब जो सेंटेंस का टेंस होगा वही आपके टैग का टेंस होगा। प्रोनाउन का यूज होगा, अगर सेंटेंस में नाम लिखा है तो टैग में प्रोनाउन का यूज होगा। कॉन्ट्रैक्शन का यूज होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सब्जेक्ट के साथ भी होता है लेकिन सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होता है टैग में, ठीक है। सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन टैग में यूज नहीं होता है, जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हो सकता था, यहाँ पे अगर मैं ये बोलू, ये वाला अगर पार्ट बोलू, ठीक है, तो ये लिखा हो सकता था हीज, ठीक है, हीज, हीज कमिंग, हीज कमिंग, तो बोलोगे, आप बोलोगे सर अगर ही इज कमिंग लिखा है तो आपने टैग ये क्यों बनाया, इज ही क्यों बनाया। तो देखो मुझे सेंटेंस को पढ़ के ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट का होता तो मुझे एग्जामिनर लिख के देता है कि सेंटेंस पास्ट का है, मतलब यहाँ पे यस्टरडे वगैरह कुछ ऐसा टाइम तो मेंशन करके देता, अब नहीं किया तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पे हैव होता, तो यहाँ पे हैज होता, तो यहाँ पे हैजंट हो जाता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देख रहे हो आप स्क्रीन पे अपने, ये सारे की सारे कॉन्ट्रैक्शन, कुछ कॉन्ट्रैक्शन जो नहीं लिखे तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन, अगर विल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना, मे एंड जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो अगर आपको सेंटेंस में मे नजर आता है, सेंटेंस में आपको अगर मे नजर आता है एज अ हेल्पिंग, एज अ मॉडर्न और एज अ ना हेल्पिंग और मॉडल वर्ब, तो आप उसकी जगह पे क्या लिखते हो, हमेशा टैग पे विल लिखते हो, ठीक है। ऑटो लगा, ऑटो अगर कहीं लगा होता है तो आप ऑटो की जगह पे क्या लिखते हो, शुड लिखते हो, ठीक है, मतलब ऑट टू नॉट, अगर ऑट नॉट टू है तो शुडेंट लिखते हो, शुड नॉट हो तो भी शुडेंट ही लिखते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा थोड़ा सा, ही इज का मतलब क्या, ही इज का मतलब क्या होता है, तो ही इज भी हो सकता है, ही वॉज भी हो सकता है, ही हैज भी हो सकता है, ठीक है। हील का मतलब क्या होता है, तो ही शैल भी हो सकता है, ही विल भी हो सकता है, ठीक है। ही वुड का मतलब क्या हुआ, ही वुड का मतलब तीन तरीके का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है, हैड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसमें जा सकता है समझने में, ठीक है, कि दोनों का यूज सर कैसे, कब 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 कैसे पता चलेगा हमें कि आई के बाद विल लगा हुआ है या शैल लगा हुआ है, तो मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया था एक, ठीक है, इसका ट्रिक भी बताया था, वही ध्यान में रखना, अगर आई और वी के साथ, आई और वी के साथ अगर हम यूज करते हैं क्या शैल, ठीक है, आई और वी के साथ अगर हम शैल यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट तो हम, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर हम यूज करते हैं विल, तो ये की जो कैटेगरी है कैसी है, फिक्स्ड नहीं है, ये क्या होगी, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको ऐसा हिंट दी होगी कि वो फिक्स्ड कैटेगरी की बात कर रहा है या नॉट फिक्स्ड कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर फिक्स्ड कैटेगरी की बात कर रहा होगा, फिक्स्ड कैटेगरी की बात कर रहा होगा, तो आपको पता है कि क्या आना चाहिए, विल, अगर अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है फिलहाल, मैं तो सिर्फ आई की ही बात चल रही है ना, तो अदर सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस ही क्यों करें, ठीक है, यहाँ पे विल आ जाएगा फिर, तो ये कैटेगरी कैसे बन जाती है आपकी, फिक्स्ड बन जाती है, समथिंग विच इज फिक्स्ड, ठीक है, जो होने वाला है ये फिक्स्ड हो गया, ये वाली कैटेगरी आपकी नॉट फिक्स्ड हो गई। तो सेंटेंस में कई ऐसी हिंट दी होगी, तो हिंट के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे कि वो शैल होगा या विल होगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, समथिंग विच फॉर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और आई वॉज नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। सो वी शुड एंड द सेशन हियर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।
टिल देन गुड बाय 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 टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ हैव अ नाइस डे.